जेसीबी का इंजन ओवरलोड होना, यानी कि जेसीबी में जो इंजन आते हैं, जैसे कि 4R आते हैं, नए जो जेसीबी है उसमें 4x8 आते हैं, तो जेसीबी ने जो अदर्स कंपनी के जो बैकहो लोडर्स है और जेसीबी के साथ में जो अदर्स जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स है, जैसे पेवर्स है, लोडर्स है, तो इनका जब इंजन ओवरलोड होता है, तो जनरल डीजल इंजन ओवरलोड होते समय उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और वो शूट आउट क्या क्या कैसे करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो पहले आपको, सबसे पहले आपको फ्यूल लाइन का लीकेजेस आपको चेक करना है कि कहीं पर लीकेज है या नहीं, ये आप लोगों को देखना चाहिए। कि अगर फ्यूल लाइन में लीकेज होता है तो मशीन को या उस इंजन को प्रॉपरली सप्लाई नहीं मिलता है फ्यूल का, तो उसी वजह से ये जो मशीन जो है वो लोड पे आता है। मशीन इंजन लोड पे आना ये अलग बात है, गियरबॉक्स ट्रांसमिशन लोड पे आना, हाइड्रोलिक्स लोड पे आना अलग बात है। जब इंजन लोड पे आता है तो इंजन थोड़ा ऐसे दबने जैसा होता है, यानी कि मान लो इंजन पूरा ऐसा दब जाता है, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो पहले आपको फ्यूल लाइन का लीकेज चेक करना है। अगर कोई डीजल लाइन का पाइप किसी वजह से चोक हो गया है या दब गया है तो उसे भी आपको चेक करना है। उसके बाद में नोजल आपको देखना है। नोजल बहुत से बार खराब हो जाते हैं, नोजल जाम हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नोजल जाम होने में भी आपका मशीन जो है वो लोड पे आता है, तो इस समय आपको क्या करना है, सब नोजल जो है वो हेड में से बाजू में निकाल लेना है और इंजन का सेल मार के देखना है। बहुत से बार नोजल के ऊपर के साइड में, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, नोजल के ये जो साइड है, नोजल का ये जो स्टेम साइड है, ऊपर का नोजल का मेन साइड, तो यहाँ पे आपको एक गीला हुआ लगता है, गीला गीला सा लगता है जब आप लोग नोजल निकालते हैं, तो उसको नोजल ड्रिबलिंग भी बोलते हैं, तो वो भी आप लोगों को चेक करना चाहिए। वॉश पंप में अगर किसी कारण खराबी हो गई, वॉश पंप के अंदर में प्लंजर होते हैं, अगर वो प्लंजर खराब हो जाते हैं, अगर वेयर आउट हो जाते हैं, तो बहुत माइक्रोन्स में वेयर आउट होते हैं, तो उसी की वजह से भी आपका मशीन लोड पे आता है। लोड पे आते समय मशीन ब्लैक स्मोक बाहर फेंकता है, काला धुआं मारता है और इंजन थोड़ा आरपीएम उसका लो डाउन हो जाता है, आरपीएम दब जाता है। डीजल अगर आपका खराब हो, आपका फ्यूल खराब हो, तो भी ये प्रॉब्लम्स आता है। बहुत से बार डीजल में पानी चला जाता है, तो इसमें पानी जाने के बाद में आपको कैसा चेक करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। डीजल में पानी जाने के बाद में उसे कैसा चेक करना है, डीजल में पानी गया है या नहीं गया है। अभी तो काफी सारे सेपरेटर्स भी आ गए, वाटर सेपरेटर्स, तो हम लोग अगर वाटर सेपरेटर का कनेक्शन अगर कोई मैकेनिक कट कर देता है तो ही अंदर में पानी जाता है, तो आपको वाटर सेपरेटर चेक करना जरूरी है। हवा लेने में परेशानी, एक बार तो हमारे साथ में ये किस्सा घड़ भी चुका है। हम पुराने 3D में जब हम लोग डीजल डालते थे तो डीजल के पास में ही एयर क्लीनर का एक बड़ा पाइप होता था, पुराने 3D में, तो ये लगभग 20-22 साल पुरानी बात है। तो वो जो एयर क्लीनर का जो पाइप है, वो पाइप डीजल डालने के बाद में वो अंदर से उसने फ्लोट पकड़ लिया, यानी कि हम जिसे फुगा बोलते हैं वो पकड़ लिया, और वो बबल पकड़ने के वजह से जब मशीन आइडल में चलता था तो इंजन लोड पे नहीं आता था, और जब मशीन जैसे ही रेस करते थे हम लोग, तो रेस करने के बाद में अंदर का जो फ्लोट है वो थोड़ा बाहर आ जाता था, इंजन को हवा पूरा मिलता नहीं था और उसी की वजह से इंजन लोड में आता था। तो आपको खाली होस पाइप ही नहीं देखना है, उसका एयर क्लीनर सिस्टम देखना है। एयर क्लीनर सिस्टम भी बहुत से बार चोक हो जाता है, तो उसे भी देखना है। बहुत से बार हम लोग कई क्लॉथ या कोई तो भी अंदर वो एयर क्लीनर में साफ करते करते छोड़ देते हैं, वैसे ही फिट कर देते, बहुत सारे ऑपरेटर ऐसा करते हैं, तो वो भी आप लोगों को देखना है। ये सारी बारीक बारीक चीजें, जब ये बारीक चीजें आप लोगों को बताता हूँ कि अंदर में कपड़ा छूट जाता है, इसमें ये हो जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे साथ में पहले घड़ चुकी होती है। इसे आप इसमें मत निकालते जाइए कि कपड़ा कैसा छूट जाता है, भाई ये कैसा, ये इंसिडेंट हो जाता है। एक बार तो ट्रांसमिशन के ऊपर के टरेट कवर जो आता है, जहाँ से हम गियर डंडा गियर डालते हैं, वहां से भी हमारे से एक बार डंडे में से ऊपर से कपड़ा अंदर में ट्रांसमिशन के अंदर में, ट्रांसमिशन चलाते टाइम ऊपर हमने कपड़ा रख दिया था कि अंदर में कचरा मत जाए, वैसे ही लगा दिया। जब हमने वो
चेक किया, ट्रांसमिशन घुमा घुमा के फिट करना पड़ता है, तो उसी टाइम वो कपड़ा अंदर चला गया और उसे मशीन लोड लेना बंद। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको इंजन में भी दिखना है। तो कहने की बात ऐसा कि जो सिंपल सा जो प्रॉब्लम है वो पहले आप लोग फाइंड आउट करें पहले में, ना कि वॉश पंप नोजल ही चेक करें। और इसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जेसीबी के साथ में, स्टॉप लेवर जो केबल है वो खींची वाली आधा खींची वाली रहती है, तो मशीन चालू होने में भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पूरा खींचे वाली रहती है तो। और कभी कभी स्टॉप लेवर आप लोग जिसका अटकता होगा जिस वॉश पंप का, तो हम लोग वॉश पंप के पीछे से हम लोग उसे ये कर देते हैं, इसी के पीछे के साइड में होता है ये वॉश पंप, अलग कंपनी का है, जेसीबी टाइप में नहीं है, जेसीबी इनलाइन जो फोर आर में आता था वो नहीं है। तो इसमें एक स्टॉप केबल होता था, तो वो स्टॉप केबल खींचा वाला रहता है, तो उसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और वो आधा खींचे वाला रहेगा तो मशीन लोड पे चलना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको देखना है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पहले सिंपल थिंग्स से जाना है, तो मशीन लोड पे आने का प्रॉब्लम्स आपको समझ सकता है। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी मशीन अगर लोड पे आता है तो आपको टैपेट सेटिंग करके एक बार चेक कर लीजिए, और अगर वो करके भी अगर आपका मशीन नहीं लोड पे ही आ रहा है तो आपको सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम या उसका बैक प्रेशर से भी कभी कभी मशीन लोड पे आता है वो एक बार चेक कर लीजिए, अन्यथा आपको इंजन खुलवाना ये लास्ट पर्याय रहता है। तो इंजन का हाइड्रोलिक का बैक प्रेशर, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक का बैक प्रेशर कैसे आता है, तो आप लोग हमारे साथ में घड़ी हुई घटना है, जब स्टेयरिंग का जो पाइप है वो हम स्टेयरिंग ऑर्बिट्रॉल यूनिट का काम कर रहे थे, वो काफ़ी पुरानी बात है, वो टाइम में ऐसे कोई रिपेयरिंग नहीं करता था, ये 22-23 साल पुरानी बात है। तब हमने स्टेयरिंग का ऑर्बिट्रॉल वाला, यानी कि उसे ऑर्बिट्रॉल बोलते थे लेकिन एक्चुअल वो स्टेयरिंग वाल होता है, तो हमने वो खोल लिया था। और जब फिटिंग करने के बाद में हमने वो लगाया, तो हमने पंप का पाइप टैंक में लगाया, टैंक का पाइप पंप पे लगाया, तो जो रिटर्न बैक प्रेशर आता था उससे मशीन बहुत लोड पे आके तुरंत बंद गिर जाता था, तो वो हाइड्रोलिक पंप ही उस गियर को नहीं घूमने देता था। तो ऐसी बारीक बारीक चीज़ें जो हमने सबसे पहले कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमने अभी इसके पहले जो काम किया है, अगर नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमने इसके पहले काम कौन सा किया है उसके ऊपर फोकस कीजिए, न कि नया कोई प्रॉब्लम्स आप लोग ढूंढने में उसमें टाइम बर्बाद कीजिए। हमने अभी तुरंत काम कौन सा किया है और उसी से ये प्रॉब्लम आया। अगर हमने एयर क्लीनर खोला है भाई और उसके बाद में मशीन लोड लेना चालू हो गया थोड़ी देर बाद में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने पहले एयर क्लीनर खोला था तो हमें पहले एयर क्लीनर देखना चाहिए। अगर हमने कोई पाइप बदला है जैसे कि डीजल का पाइप बदला है उसके बाद में ये प्रॉब्लम आया, तो ये जनरल मैकेनिकल फंडा है कि हमने पहले कौन सा काम किया है और उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर कोई काम नहीं करते हुए अगर मशीन का वो सिम्टम्स दिखता है, देखिए मशीन का जब आप लोग काम करते हैं तो आप लोग मशीन का डॉक्टर होते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं जो आदमी के डॉक्टर होते हैं ना भाई, वो आदमी को कुछ भी बोल के वो उसे सहला देते हैं कि भाई हाँ आपका तो अभी हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, 8 दिन बाद हो जाएगा, आपका जुकाम कम हो जाएगा। लेकिन मशीन के बारे में वैसे नहीं, मशीन को तो आपका 100% रिजल्ट चाहिए। तो आपको पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री देखना है कि पीछे क्या हुआ था और उसके बाद में आगे आपको काम करना है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और मशीन लोड के आने के बाद में पहले सबसे पहले आपको एयर सिस्टम चेक करना है, डीजल का पाइप चेक करना है, डीजल के पाइप कहाँ से लीक हो रहे हो देखना है, डीजल फिल्टर चेक करना है, उसके बाद में ये सब दोनों तीनों चीज होने के बाद में आपको टैपेट लेके देखना है, वॉश पंप चेक करना है, नोजल चेक करना है, और उसके बाद में अगर बाहर से अफेक्टेड सिस्टम जैसे ट्रांसमिशन हाइड्रो पंप इनका चेक करना है, और ये सब में भी अगर आपका काम नहीं चलता है तो आपको लास्ट में इंजन खोलना ही खोलना है। तो थैंक यू, ये वीडियो कैसे लगा, और इसके साथ में अगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम्स अगर आपको आया होगा जिससे ये प्रॉब्लम शूट आउट हुआ है, तो प्लीज़ हमारी कम्युनिटी हमारे जो लोग हैं उनको भी पता चले, हमें भी पता चले, इसके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग कमेंट्स में ज़रूर डालें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।